तो जैसा कि अभी अपडेट आया हुआ है कि एडवांस का जो एग्ज़ाम है अब आप 3 बार दे सकते हो, तो कैसा रिएक्शन रहा? मतलब कि खुश हो, नहीं हो, या क्या लगता है? बहुत लेट बहुत, बताया तो लेकिन ये गलत तो ही है लेट बताया ना। अच्छा मेरे हिसाब से 3 अटेम्प्ट कर दिया है, कंपटीशन तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा थोड़ा, ठीक है। और थोड़ी खुशी भी है कि अगर मैं हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम आए हुए हैं एलन एलन का जो मेन बिल्डिंग है, जो कॉरपोरेट ऑफिस है यहाँ पे, और यहाँ पे ITJEE की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस वगैरह यहाँ पे चलती है। तो उन बच्चों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो भी अभी IIT का 3 अटेम्प्ट का, मतलब कि JEE एडवांस का 3 अटेम्प्ट का जो अभी अपडेट आया हुआ है उस पर उनका क्या राय है, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, खुश हैं, नहीं है, या क्या है भाई उनका रिएक्शन, चलो आओ जानते हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि भाई अभी जो अपडेट आया हुआ है IIT का, आपको पता चला क्या है अपडेट? ये सर वो मतलब 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं हम लोग उसमें जे एडवांस के लिए। आप मतलब कि आप लोग यहाँ पे कौन से बैच में होंगे, ड्रॉपर वाले में? यस सर, ड्रॉपर में फेज 5 में हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, तो ड्रॉपर्स के लिए खुशी की बात एक तरह से होने वाली है, लेकिन इनसे पूछ लेंगे भाई कितना खुश है, नहीं है, बताओ, या क्या लगता है आपको कि सही है गलत है, इस पर क्या ओपिनियन है आपका? सर ये तो मतलब हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हुआ कि 1 अटेम्प्ट और है, लेकिन हम पूरा अपना कोशिश करेंगे इसी में निकल जाए, क्योंकि तीसरा साल पढ़ने में मतलब उतना इंटरेस्ट तो रहेगा नहीं। कहाँ से हैं आप? सर वाराणसी से। आप? गाजीपुर यूपी में है। अच्छा यूपी से हैं। तो अभी जो भी अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देने का जैसे कि अब चांस आ गया, तो अगर मान लो कि जैसे कि जेई मेन का जो एग्ज़ाम होता था वो 3 बार आप दे सकते थे, अभी आप एडवांस का भी 3 बार दे पाओगे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर मतलब कि मैं ऐसा चाहूँगा नहीं कि हो ना किसी का सिलेक्शन, आप लोग सेलेक्ट हो जाओ IIT में जाओ, अगर बाई चांस नहीं होता है तो क्या उसके बाद का ड्रॉप लेने के लिए, सेकेंड ड्रॉप लेने के लिए जाएंगे? हाँ सर सोचेंगे जाने के लिए फिर उसके बाद, और अगर मतलब अच्छा कॉलेज मिल गया तो फिर उसके बाद जैसे मतलब करते हैं लोग कि कॉलेज में जा कर के फिर उसके बाद ऐसे मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर कॉलेज में जा करके फिर उसके बाद IIT का एग्ज़ाम फिर से देते हैं, तो IIT निकल जाते हैं तो कई लोग चले भी जाते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं, या फिर हम कोशिश करेंगे कि मतलब इस साल ही निकल जाए पूरा। ठीक तो खुश हो ये अपडेट्स सुन के? यस सर। तो और भी हमारे साथ बच्चे जुड़े रहे हैं यहाँ पे एलन में, तो आप लोग कौन से क्लास में हो बता दो, मतलब कि यहाँ पे कौन से बैच में हो? इंथ्यूज में। आप? इंथ्यूज। आप? नर्चर में। 11th में हो आप, बाकी 12th वाले हो। तो इस बार पहला अटेम्प्ट आप लोग दोगे एडवांस का, मतलब मेंस और एडवांस का पहला अटेम्प्ट दोगे। तो जैसा कि अभी अपडेट आया हुआ है कि एडवांस का जो एग्ज़ाम है अब आप 3 बार दे सकते हो, तो कैसा रिएक्शन रहा, मतलब कि खुश हो, नहीं हो, या क्या लगता है? अच्छी बात है, 3 अटेम्प्ट है, एक मौका अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक अच्छा सा, एक बच्चे जो नहीं हो पाए 2 अटेम्प्ट में उसको एक और मौका मिलेगा। जैसे कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फील कर पाते हैं, आप लोग तो अभी पहली बार दोगे तो आप लोग तो कभी ये नहीं सोचोगे ड्रॉप के बारे में, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से आपको कैसा लगता है कि, या आपने अपने बड़े भैया वगैरह को जिनको स्ट्रगल करते हुए देखा है, जिनको ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया फिर दोबारा अगर वो ड्रॉप ले पाते तो अच्छा कर पाते, तो उसके हिसाब से ये सही है अपडेट या नहीं है, क्या लगता है आपको? सही अपडेट सही है। बहुत लेट बताया तो गलत ही है। लेट बताया ना? अच्छा लेट बताया और पहले बताना चाहिए। हाँ तब लोग तो प्राइवेट में ज्वाइन हो चुके भैया, सब तैयारी करना तब ना चालू करेंगे, अब जाके पता चला है अब नेक्स्ट ईयर से होगा ना तैयारी। फिर भी जो NIT में है जिसने अच्छा किया है, ठीक है मान लो पहले, और वो थोड़े से अगर तैयारी कर ले अभी भी, तो क्या उसके पास कुछ टाइम है, कुछ कर सकता है? JEE मेन क्वालिफाई तो कर जाएगा जिसने जो NIT में जो पहले कर चुका है, तो फिर एडवांस के लिए तो टाइम बचता है ना, क्योंकि फिर के लिए तो कर सकता है अगर करना चाहे तो, क्योंकि यहाँ बात तो एडवांस की ही है कि एडवांस के लिए 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं जो NIT में है। मान लो कि NIT वाला अगर पहले से क्लियर किया हुआ है JEE मेन, तो होप्स कि वो इस बार क्लियर कर ले और कुछ टाइम बचा हुआ है शायद एडवांस कर ले, तो उस केस में आप लोग जाओगे कि नहीं जाओगे? ट्राई करना पड़ेगा होगा नहीं होगा देखा जाएगा, ट्राई तो कर ही सकते हैं। कहाँ से हो आप? कानपुर यूपी से। आप? बिहार से हैं आप, क्या बात है। तो अभी आप दोनों IIT की तैयारी कर रहे हो, आप कौन से ड्रॉपर हो? ड्रॉपर ठीक है। तो आप 11th में हैं, ठीक है, तो 11th वाले हैं तो आप सुनिएगा, ड्रॉपर है तो आप बताइएगा, ठीक है। तो जो भी अभी अपडेट आया हुआ है कि 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं आप एडवांस का, तो आपका क्या रिएक्शन है, आप खुश हैं, नाराज हैं, क्या लगता है आप? मेरे हिसाब से 3 अटेम्प्ट कर दिया है, कंपटीशन तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा थोड़ा, ठीक है, और थोड़ी खुशी भी है। अच्छा
कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब मेरा फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है तो अगर मेरा फर्स्ट टाइम नहीं होता है तो मैं सेकंड टाइम भी ट्राई कर सकता हूँ और पहले से तो ठीक ही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में चले गए हैं, ठीक है, कुछ बच्चों से मैंने बात किया, उनके मानना है कि थोड़ा पहले अपडेट आ जाता, तो जैसे कि आप मान लो कि अभी कॉलेज में होते और ये अपडेट आता कि मैं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी तक तो दो बार का ही था, तो जो कॉलेज में चले गए हैं NIT वगैरह में या बाकी जगह, तो उन्होंने तो सोचा नहीं था कि दोबारा फिर से IIT में हम जा सकते हैं, तो आप अगर अभी होते कॉलेज में तो आपका क्या डिसीजन होता? आप फिर से क्या JEE मेन का एग्ज़ाम देने और एडवांस का तैयारी के लिए जाते? नहीं, मैं पहले ये करता कि JEE मेन को इस तरह से देता कि मैं एडवांस के लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाऊँ, क्योंकि मेनली जो अपना जो नया क्राइटेरिया लागू हुआ है वो एडवांस के लिए है, तो फिर उससे मैं क्या करता, पूरी मेरे पास अभी यहाँ से पूरे 6 to 7 months हैं, तो मैं पूरी तरह से एडवांस के लिए लग जाता यहाँ से डायरेक्ट। और फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस में मैं इतना करता कि मेरा मेंस क्लियर हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, और सेकंड जो मेंस है उसके लिए मैं इतना कर लेता कि मैं अप्रॉक्सीमेट 97-98 पहुँच जाऊँ, और एडवांस की मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर रहा, क्योंकि मेरे पास यहाँ से पूरा 7 months का गैप था। ठीक है जी। तो आप जाते हैं, मतलब कि अगर आप अभी आप कॉलेज में होते तो आप जाते हैं फिर से ट्राई, मतलब कि एक बार और अटेम्प्ट देने के लिए? मैं NIT में होता तो। ठीक है राइट। NIT में होता, IIIT में होता ऐसे, क्योंकि अभी कंपटीशन तो कम ही था, अभी कुछ NIT चले गए हैं, उन्होंने कंपटीशन को फेस किया है, उनको पता है मतलब कैसे होता है, तो अब कंपटीशन बढ़ेगा, 10% तो पूरा बढ़ने वाला है। जी चलो जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो ये हमने एलन में बच्चों से बात किया और इनका रिव्यू जाना कि अभी जो भी अपडेट आया हुआ है 3 attempt का JEE एडवांस का, तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है, अपना आपका जो राय है वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, बाय।